हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या है इसको आज हम लोग देखेंगे। सो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले, जो अभी हमने ये एटम होता है, ये एटम मतलब एटम में क्या क्या होता है ये पहले हम लोग देख लें। सो एटम में आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन होता है और ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो ये सारी क्या है ये पहले हम लोग एक बार देख लें। सो प्रोटॉन हमने जाना है कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब उसके पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और वहीं पर बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के पास कोई पार्टिकल ही नहीं, मतलब कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, वो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो बीच में एक होता है, ठीक है, यहाँ पे ये जो है, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे ये ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ रहते, एकदम जोड़े में एकदम एक साथ रहते, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लस। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लस। और बाहर ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है ये इलेक्ट्रॉन, बाहर सर्कल में ऑर्बिट करता है इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? चलो बहुत अच्छे, अब ये आगे बहुत इसकी जरूरत पड़ने वाली है इसके लिए। वैसे ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो गए। सो प्रोटॉन है प्लस, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन है माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए एक दूसरे से। इसी की वजह से जो बच्चा सिर्फ न्यूट्रॉन, तो जो कि बना देता है न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रल, समझे, जो कि एटम को बना देता है न्यूट्रल, समझ गए। सो एटम जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है। देखो एटम है न्यूट्रल, पहली बात एटम है न्यूट्रल। अब इसको कोई अगर चार्ज चाहिए तो ये नहीं कि ये प्रोटॉन को किसी को दे देगा, उससे कोई प्रोटॉन ले लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये प्रोटॉन को नहीं दे सकता, प्रोटॉन का नहीं दे सकता, ये दे सकता है तो सिर्फ किसको, इलेक्ट्रॉन को। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। रीज़न सिंपल, जो प्रोटॉन है, जो प्रोटॉन है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में है जहाँ पर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ हैं। अब ये जो जगह है यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है, ये एकदम बहुत ही मजबूती से इसको पकड़ा गया है, मतलब कि एकदम न्यूक्लियर फोर्स से इसको पकड़ा गया है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से ऑर्बिट कर रहा है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बहुत ही कम छोटा सा फोर्स है, इसके लिए आसान से इलेक्ट्रॉन हट सकता है लेकिन प्रोटॉन नहीं हट सकता। तो सो प्रोटॉन यहाँ पे कैंसिल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पास हो जाता है। इसी की वजह से सिर्फ एटम इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कॉज कैसे होती है, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कॉज होगी। समझ में आया? बहुत अच्छे। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करना बंद कर दे, इलेक्ट्रिसिटी कॉज होना ही बंद हो जाएगी। चलो बहुत अच्छे। अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वो एबिलिटी जिसके द्वारा एक मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद इट मेजर्स हाउ क्लोजली इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द एटम्स। ये मेजर करता है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक तरीके से ये मेजर करता है कि जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने गहराई से, मतलब कितने क्लोजली वो बाउंडेड है एटम के साथ, ठीक है, विद इन द एटम्स वो कितने क्लोजली बाउंडेड है। जैसे कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल के केस में बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं, लूज होते हैं एकदम, लेकिन वहीं पे एक नॉन मेटल के केस में वो टाइट होते हैं, वो एकदम क्लोजली बाउंड होते हैं। इसी वजह से जो मेटल है वो एक गुड कंडक्टर है और जो नॉन मेटल है वो एक बैड कंडक्टर। कैसे? लूजली बाउंड होने के कारण आसानी से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से फ्लो कर पाते हैं, और आसानी से फ्लो कर पाने के कारण आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। लेकिन वहीं पे जो जहाँ पे वो क्लोजली है, क्लोजली पैक्ड है, नॉन मेटल के केस में जहाँ पे वो क्लोजली पैक्ड है, सो आसानी से वो फ्लो कर नहीं पा रहे हैं। जब फ्लो कर ही नहीं पा रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी भाई? सिंपल, समझ में आ गया। उसके बाद लिक्विड दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एक लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि एक वाटर, जैसे वाटर हो गया, फिर एक साल्ट, साल्ट वाटर, वैसे ही साल्ट वाटर आप इसको लेना, फिर लेमन हो गया, फिर लेमन हो गया,
उसके बाद कुछ एसिड्स हो गए, फिर ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स। उसके बाद लिक्विड विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। वो लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल एकदम क्लीन वाटर, फ्रेश वाटर जिसको हम लोग कह सकते हैं, फ्रेश वाटर जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो, एकदम फ्रेश वाटर वो है, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते जो कि एकदम फ्रेश वाटर हो, जिसमें जिनमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज ना हो, डिस्टिल्ड वाटर जिसे हम लोग कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, तो वो फ्रेश वाटर होते हैं जिनमें थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज नहीं होती और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते देखेंगे। लिक्विड कंटेन्स पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयोन्स। आयोन्स क्या हैं देखेंगे। द फ्लो ऑफ दीज आयोन्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड्स। एक जो लिक्विड होता है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयोन्स रखता है, ठीक है, और ये जो आयोन्स हैं, यही इन्हीं के फ्लोज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी, वैसे ही इस आयोन्स के फ्लो की वजह से ही, लिक्विड में इन आयोन्स के फ्लो की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। सो जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी होगा एक लिक्विड में उतना ही ज़्यादा उसमें आयोन होगा, मतलब ज़्यादा इम्प्योरिटी ज़्यादा आयोन ज़्यादा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन है, व्हाट इज आयोन, और इसका सिंपल सा एक आंसर है, अ चार्ज्ड एटम। आयोन क्या है तो एक चार्ज्ड एटम, सिंपल। आयोन मतलब चार्ज्ड एटम। अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो वो आयोन है, अगर एटम नेगेटिवली चार्ज्ड है तो वो आयोन है। अब एक क्वेश्चन आता है, एटम जो है वो तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकता है, फिर वो पॉजिटिवली चार्ज्ड या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड आयोन कैसे होगा। मान लो कि एक एटम है जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, प्रोटॉन्स को तो जब वो लेन देन हो ही नहीं सकते तो हम उनको देखेंगे क्यों, ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन्स है, और एक और एटम है जिसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन्स है, समझे, अगर वो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो चार प्रोटॉन्स भी होंगे, इसके पास भी चार इलेक्ट्रॉन तो चार प्रोटॉन, सही कि नहीं। अब मान लो इन दोनों का टकराव हुआ और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ठीक है, अब इसके पास कितने हो गए, पाँच इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं ना बदला, सो प्रोटॉन तो चार का चार ही रहा, सो ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और वहाँ पे इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन घट गया, इसके पास सिर्फ तीन ही इलेक्ट्रॉन बचे ना, लेकिन प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, सो ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। सो ये जो नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज एटम्स होते हैं इन्हें ही हम लोग आयोन्स कहते हैं। सो समझ में आ गया। अब उसके बाद इम्प्योरिटीज और मोड आयोन्स की कहानी। ज़्यादा इम्प्योरिटीज तो ज़्यादा आयोन्स कैसे, एक लिक्विड मान लो आप लोग, तो उसमें वो कुछ एटम्स होते हैं जो कि चार्ज होता है, तो जब कोई भी चीज़ में ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हो, ज़्यादा आयोन्स हो, तो अगर उसमें उसको आप किसी चीज़ से मिला देते हो तो उसका पहले का आयोन, उस लिक्विड का पहले का आयोन और फिर इसका आयोन, दोनों मिलके ज़्यादा आयोन प्रोड्यूस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे साल्ट वाटर, जैसे हमने साल्ट वाटर लिया जो कि एक गुड कंडक्टर है, तो साल्ट के पास अपना कुछ आयोन है, अपने कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, वाटर के पास भी अपने कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं, दोनों मिल गए, ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। वहीं पे जो ये डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, इसके पास आयोन की संख्या, चार्ज आयोन की संख्या बहुत कम होती है या फिर नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम होती है, एकदम या फिर होते ही नहीं है, इसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर ही नहीं पाता, समझे, इसी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता। चलो मुझे लगता है आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को, मतलब इनडायरेक्टली केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखेंगे इसको, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो आपने अभी अभी हमने पढ़ा कि लिक्विड जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू तो एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि स्प्लिट कर देता है केमिकल कंपाउंड्स को उस इलेक्ट्रोलाइट का, जो भी केमिकल कंपाउंड होता है उसे वो स्प्लिट कर देता है।
और अलग अलग उसके कॉन्स्टिट्यूंट सब्सटेंसेस में, जैसे कि मान लो एक वाटर है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तो ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, सो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रोलाइट अंडर दस इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोज केमिकल चेंज ड्यू टू पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो होता है जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की वजह से वो जो इलेक्ट्रोलाइट है एक केमिकल चेंज के थ्रू गुजरता है, उसे ही हम लोग कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ में आ गया। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो वो प्रोसेस जिसमें एक इलेक्ट्रोलाइट स्प्लिट हो जाता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस में, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, उसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, समझ गए। उसके बाद रोड्स थ्रू विच करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, अभी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, मान लो यहाँ तक ये पानी भरा है, यहाँ तक ये पानी पूरा भरा है और करंट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, समझ गए। तो ये जो दोनों है जिससे करंट आ रहा है या फिर जा रहा है, जिससे करंट आ रहा है और जा रहा है, उससे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड, समझे, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड। उसके बाद द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच करंट एंटर्स इज एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच करंट लीव्स इज कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसे हम लोग कहते हैं एनोड, NO, ANODE, एनोड, इससे करंट अंदर आता है और ये है कैथोड जिससे करंट बाहर जाता है, समझ गए। चलो उसके बाद द इलेक्ट्रोलोड द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच करंट लीव्स, ये तो अभी हमने देखा, एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड कैथोड इज दैट वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होता है, समझ गए। उसके बाद तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड्स एंड सोर्स ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ ना दोस्त, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये जो पूरा अरेंजमेंट हुआ जिसमें ये एक बैटरी है और ये इलेक्ट्रोड है, ये पानी है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी है, तो ये जो भी अरेंजमेंट होता है एक वेसल के अंदर, मतलब जो भी अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसे हम लोग कहते हैं, समझ में आया। चलो बहुत अच्छे, अब इसको हम लोग पानी के साथ भी कर सकते हैं, पानी के साथ भी आप सेम ऐसे ही एक अरेंजमेंट करो, उसमें पानी डालो और इलेक्ट्रिसिटी को उससे पास करो, तो आपको दिखाई क्या देगा कि बबल्स, उसमें ग्लास रख देना, दोनों इलेक्ट्रोड्स में ग्लास का यूज़ कर लेना ताकि आपको दिखाई दे बबल्स, तो आपको दिखाई देगा बबल्स ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का बबल ऑक्सीजन के मुकाबले दुगना होगा और आपको उस समय दिखाई देगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग हो रहे हैं, समझ में आया। ये एकदम उसी की तरह है जैसे कि हीटिंग इफेक्ट काम करता है किसी भी कंडक्टर में जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, वैसे ही लिक्विड में ये केमिकल इफेक्ट काम करता है, समझ में आया, बहुत अच्छे। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रॉपर्टी का यूज़ करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब जैसे कि आयरन पे हम लोग लगाते हैं, आयरन को हम लोग कोट करते ताकि उस पे रस्ट ना हो, वैसे उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मीन्स कि किसी भी मटेरियल को कोट करना ताकि उस पे कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इसको हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं, तो जिसको हमें कोट करना है, जिसको हमें कोट करना है जैसे कि आयरन को हमें कोट करना है, तो उसको हम लोग कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं, और जिससे हमें कोट करना है जैसे कि मान लो कि हमें आयरन को जिंक से कोट करना है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एनोड, और उसी का साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, उसी का एक साल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट सॉल्यूशन क्यों यूज़ करते हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, तो उसी का साल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और उसी की वजह से वो आसानी से वो पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसी का बदौलत होता है। तो मुझे लगता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है और ये कैसे काम करता है, ये तो आप लोग अब समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।